तो फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जानने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इतना जो मैंने सिस्टम यहाँ पर बना रखा है वो इसलिए यहाँ पर बना रखा है कि दोस्तों मैं आपको यहाँ पर पूरी सच्चाई दिखाने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों जो हम अपनी ट्रांसफार्मर की जो कैलकुलेशन करते हैं 7.5 से जो हम अपने टर्न्स को निकालते हैं, क्या सच में क्या 7.5 हमारा असली में सच्चाई में काम करता है? क्या वो 7.5 के हिसाब से जो हम टर्न्स निकालते हैं क्या हमें उतने ही वोल्टेज मिलते हैं? तो सारी सच्चाई दोस्तों इस वीडियो के अंदर क्लियर एंड कवर करें। और जैसा कि दोस्तों मैंने यहां पर आपको काफी सारी अपनी डिजाइनिंग भी बताई कि वो डिजाइनिंग मेरी सही है या फिर नहीं सही है, वो यहां पर सच्चाई अब यहां पर क्लियर होगी दोस्तों। तो इस दोस्तों वीडियो को ही कंप्लीट वॉच करना, आपको एक एक जानकारी पूरी कंप्लीट यहां पर हो जाएगी। तो दोस्तों फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फिर मैं हूं आपका अपना भाई तौसीफ और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो रहता हूं। तो फाइनली दोस्तों फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये वाला जो लूप है ये तो हमारा जीरो वाला लूप होता है क्योंकि ये न्यूट्रल वाला लूप है, ठीक है। और ये है हमारा लास्ट वाली लूप। जैसे कि ये जो है अभी ऑटो कट में हमने यहाँ पर दिखा रहे हैं दोस्तों, मतलब कि ऑटो कट का यहाँ पर वोल्टेज चेक करा के दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 300 वोल्ट तक की हमारी लास्ट की लूप है और 90 वोल्ट से ये स्टार्टिंग है, मतलब कि 90 वोल्ट टू ये 300 का यहाँ पर ऑटो कट डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसके जो बीच बीच में जो वोल्टेज आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं वो यहाँ पर हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं कि यहाँ पर कितने कितने आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 300 वोल्ट को पहले कैलकुलेटर में लिखेंगे और 300 को माइनस करेंगे 90 को, ठीक है। तो 90 को माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर 210 आ रहा है। अब 210 को क्या करेंगे, हम इसको भाग कर देंगे 7 में, क्योंकि हमारी 6 लूप है बीच में, तो हम 7 में करेंगे तो हमारा यहाँ बड़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर जो टोटल आया वो आया 30 वोल्ट, मतलब कि 30 वोल्ट का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि 30 वोल्ट का यहाँ पर हमारी लूप में वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 30 वोल्टेज इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमने इसी तरीके से इसकी डिजाइनिंग की थी और वही 30 वोल्ट यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 90 वोल्ट में मिलाएंगे 30 वोल्ट तो 120 हो गए, फिर 120 वोल्ट में हम 30 वोल्ट मिलाएंगे फिर 150 वोल्ट हो गए, और फिर वही अगर हम बात करें कि 30 वोल्ट और मिलाएं तो फिर 180 वोल्ट हो जाएंगे, और फिर अगर बात करें 30 मतलब कि 30 वोल्ट ही बढ़ाना है क्योंकि 30 वोल्ट का जब डिफरेंस आया तो हम 30 वोल्ट का ही इसमें वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 30 वोल्ट के हिसाब से यहाँ पर सारी लूप हमारी निकली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 210 के बाद ही निकल गई है और ये हमारी 240 वोल्ट की है क्योंकि इसमें 30 वोल्टेज और हमारे ऐड, 240 के बाद में अगर 30 वोल्टेज और ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो है 270 वोल्टेज की लूप ही हमारी निकल गई है। तो टोटल यहाँ पर हमारी सारी लूप निकल चुकी है 90 वोल्ट टू 300 का यहाँ पर ये डिजाइन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये इतने इतने वोल्टेज की ये लूप है, अब हम इन लूप को टेस्ट करते हैं कि ये जो लूप हमारी निकली हुई है इतने वोल्टेज की, क्या जी इतना वोल्टेज हमारा निकाल रही है या फिर नहीं निकाल रही है, क्योंकि 7.5 का हम असली सच यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसको हम टेस्ट कर लेते हैं और टेस्ट जो हम करेंगे वो हम डीमर की ही मदद से करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम डीमर से इसको वोल्टेज देंगे तो डीमर से जो हम वोल्टेज देंगे वो इसमें एक एक वोल्टेज इसके। तो ये है हमारे पास इनपुट सप्लाई और इस इनपुट सप्लाई को हम इसमें पहले ऐड कर लेते हैं दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो न्यूट्रल वाला लूप है तो एक तो हम यहाँ पर वायर को जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये न्यूट्रल वाला वायर होता है, यहीं से हमारा इनपुट भी होता है और यहीं से हमारा आउटपुट भी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक वायर पहले यहाँ पर हम जोड़ देते हैं न्यूट्रल पे, ठीक है। अब ये दूसरा वाला जो वायर बचा है इसको जो है हम इन मतलब जो इतनी सारी लूप हैं तो इन लूपों में से हम किसी भी एक लूप में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो है इसको 150 वोल्ट वाली लूप में इसको कनेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। तो मैं यहां पर इसको कनेक्ट कर लेता हूं, 150 वोल्ट का हम इनपुट देंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने इसको भी कनेक्ट कर लिया है। अब इसको कनेक्ट करने के लिए अब हमारे पास एक इनपुट में मीटर भी होना जरूरी है कि ताकि हमको पता चले इनपुट में हमारा वोल्टेज कितना पहुंच रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस मीटर को इसमें पहले कनेक्ट कर लेते हैं कि इनपुट वोल्टेज जो इसको हम देंगे 150 वोल्ट जितना भी दें हम, तो हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, इस वाले मीटर से। तो ये वाला जो पिन है रेड वाला, तो इसको तो हम यहाँ पर पहले कनेक्ट कर देंगे यहीं पर जहाँ पर हम इसको इनपुट सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं इसको, और जो हमारा जो ब्लैक वाला जो पिन है इसको जो है हम अपने न्यूट्रल से ही कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा इनपुट जो है, ये इनपुट हमारा मीटर दिखाएगा, ठीक है, मतलब इनपुट वोल्टेज हमें दिखाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये तो हमने इसका कनेक्ट कर लिया है, अब हमें आउटपुट में एक मीटर भी लगाना जरूरी है क्योंकि आउटपुट जो इसका हम चेक करेंगे, जो इतनी सारी ये लूप हैं तो इन लूपों के जो वोल्टेज हम चेक करेंगे उसके लिए एक अलग मीटर हम ले रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए अलग मीटर लेने के लिए, इनपुट मीटर तो हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया, यहाँ पर कनेक्ट कर दिया इसको हमने। अब चलिए आउटपुट जो मीटर है ये हमारे पास, ये जो मल्टीमीटर है ये हमारा आउटपुट मीटर है, ठीक है। तो इसको अब हम यहाँ पर कनेक्ट
पहले एक ही पिन इसको कनेक्ट करेंगे, हम दोनों पिन नहीं कनेक्ट करेंगे क्योंकि एक पिन कनेक्ट करेंगे और एक पिन से हम इन लोगों के वोल्टेज को चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये न्यूट्रल वाला जो वायर है हम इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि न्यूट्रल जो होता है हमारा इनपुट और आउटपुट के लिए एक ही होता है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने इसको यहाँ पर जो है कनेक्ट कर दिया है, जैसे कि देख सकते हैं। अब हमारे पास इसका एक पिन बचा है, अब एक जो पिन बचा है अब इसी से हम वोल्टेज को चेक करेंगे अपनी हर लूप के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी पिन से चेक करेंगे। तो पहले तो हम इसमें इनपुट सप्लाई देते हैं 150 वोल्ट, मतलब कि 150 वोल्ट पे हमने कनेक्ट किया है इनपुट सप्लाई बना, तो 150 वोल्ट ही इसको हम देंगे, ठीक है। तो 150 वोल्ट इसको हम देते हैं। तो यहाँ पर अभी देखिए कि यहाँ पर मैं इनपुट में वोल्टेज दे रहा हूँ, आप जैसे कि देख सकते हैं इनपुट में वोल्टेज हमारा चल रहा है, और यहाँ पर अभी हो चुके हैं 50 वोल्टेज, और ये अब होने वाले 60 वोल्टेज, अब 70 पहुँच गए हैं और 80 हो गए हैं, और यहाँ पर 90 से ऊपर भी होने वाला है, 100 भी हो चुका है, और यहाँ पर जो है अभी 110, 120, 150 वोल्टेज देंगे इसको, ठीक है। तो 150 वोल्टेज पे इसको पहले रोकते हैं। तो अभी 143, 44, 45, 46 और यहाँ पर 47, 48, 49, 50, तो यहाँ पर जो है 150 वोल्टेज पे ही हम रोक के रखेंगे, ठीक है। तो 150 वोल्टेज जो है यहाँ पर अब हो चुका है कम्प्लीट, ठीक है। 150 वोल्टेज हमने इसको दे दिया इनपुट, एक दो वोल्टेज इसमें भागेगा भी, कम भी होगा ज़्यादा भी होगा, ठीक है। तो एक दो वोल्टेज की तो कोई गिनती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अभी 149, 150 आसपास यहाँ पर पहुँच चुका है इनपुट, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, अब ये है मेरा आउटपुट मीटर, ठीक है। अब मैं पहली लूप में चेक कर रहा हूँ, 90 वाली लूप में हम वोल्टेज चेक करना है, तो यहाँ पर जो है हमको बिल्कुल परफेक्ट दिखा रहा है, 90 वोल्टेज दिखा रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमारा इनपुट में वोल्टेज 2 से 3 वोल्टेज कम हो रहा है, तो वही हमारा आउटपुट में भी 2 से 3 वोल्टेज हमारा कम होगा और ज़्यादा होगा, ठीक है। तो 2 से 3 वोल्ट की कोई भी यहाँ पर गिनती नहीं होगी, क्योंकि जैसा हमारा इनपुट में कम्बल होगा वैसा यहाँ पर दिखाएगा मैं। अब यहाँ पर 120 वोल्ट वाली लूप को हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर 120, 122 दिखा रहा है, सही दिखा रहा है, एक्यूरेट दिखा रहा है यहाँ पर 120, 122, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इनपुट में भी आप देख सकते हैं कि कम्बल हो रहा है, और इधर हमारा आउटपुट में भी कम्बल हो रहा है 2-3 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए 180 वाली को जानते हैं, तो यहाँ पर 180 को हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है 180 वाली को चेक कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि 183, मतलब कि 183 दिखा रहा है यहाँ पर, 183 से कम नहीं हो रहा, मतलब कि 180 वाली लूप है और 183 वोल्टेज दिखा रहा है, यहाँ पर भी सही दिखा रहा है। और ये 83 क्यों दिखा रहा है, इसके भी आगे क्लियर करेंगे, आगे बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम 210 वाली लूप को चेक कर रहे हैं, तो 210 वाली लूप को हम वोल्टेज दिखा रहा है यहाँ पर, 212 से नीचे नहीं हो रहा, 211, 210 सही दिखा रहा है यहाँ पर भी, ठीक है। तो हमारा इनपुट में जो वोल्टेज है वो हमारा 150 और 148, 147 के आसपास, इधर हमारा आउटपुट में फिर वैसे ही निकाल रहा है, ठीक है, 2-4 वोल्ट। अब यहाँ पर 240 वाली को चेक करते हैं, तो 240 का भी हमारा सही दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 241 से कम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 240 भी सही दिखा रहा है, और यहाँ पर जब बात करते हैं चलिए 270 वाले की, तो 270 का वोल्टेज चेक करते हैं यहाँ पर हम, तो 270 वाली लूप में हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो वोल्टेज दिखा रहा है 270 से, ये भी वोल्टेज सही दिखा रहा है। अगर हम बात करें तो ये भी वोल्टेज हमारा सही दिखा रहा है, क्योंकि हम जब ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग करते हैं तो उसमें 2-4 टन हमारे एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं, ठीक है। तो वही 2-4 टन जो एक्स्ट्रा होंगे तो वो कहीं ना कहीं तो हमको रिजल्ट दिखाएगा ना आउटपुट में, तो वही आउटपुट हमें यहाँ पर रिजल्ट दिखा रहा है, ठीक है, 2-4 टन एक्स्ट्रा होने के कारण। तो यहाँ पर जो 300 वाली लूप चेक करते हैं, तो 300 भी हमें मतलब प्लस दिखा रहा है, वोल्टेज हमारा प्लस हो रहा है, मतलब कि ये नहीं कि कम हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो यानी कि टन हमारे बढ़े हैं तभी हमारा ये प्लस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज बिल्कुल एक्यूरेट दिखा रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है यहाँ पर, 7.5 का जो असली सच है वो यहाँ पर क्लियर आपको दिखा है। अब चलिए अब हम बात करते हैं इस चीज़ की कि जो डिजाइनिंग जो करते हैं उसमें जो 2-4 टन एक्स्ट्रा होता है तो कैसे करके हो जाते हैं, तो यहाँ पर उसका भी हम क्लियर कर देते हैं अभी। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझाना चाहूँगा, जैसे कि हम जो अपना ट्रांसफार्मर वाइंडिंग जो मतलब कि जो डिजाइन करते हैं ट्रांसफार्मर को जो डिजाइन करते हैं उसमें जो हम टीपी भी निकालते हैं, टीपी भी के हिसाब से जो टन्स निकालते हैं, तो उसमें जैसे कि मान लेते हैं किसी में 78.5 है, मतलब कि जो हाफ आप जो पॉइंट आता है तो उसको हम पूरा ले लेते हैं, ठीक है। तो वहां पर पूरा लेने के कारण तो लास्ट में हमारे 2-4 टन, मतलब कि कुल मिला के यहाँ पर यह आ रहा है कि ऑटो कट में अगर हमारा 2-4-6 टन अगर एक्स्ट्रा हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर हम वही बात करें ऑटोमेटिक वाली में, तो ऑटोमेटिक में भी अगर 2-4-6 टन एक्स्ट्रा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल, कि ऑटो कट में जो है हमारी कोई भी वोल्टेज रेंज फिक्स नहीं होती है, ठीक है। मतलब कि 90 से 300 का अगर हम डिजाइन कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है वोल्टेज रेंज पूरी फिक्स मिले, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्लियर हो गया है। अब चलिए जानते हैं थोड़ा सा और डिटेल्स में कि इसकी जो डिजाइनिंग करते हैं
हैं दोस्तों, अगर आपको इसके टर्म्स वगैरह निकालने हैं या कैलकुलेशन सीखना है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है, जैसे कि 4 से 5 वीडियो मैंने बना रखा है, ठीक है। अगर इन वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप इसकी डिजाइनिंग को चेक कर सकते हैं और आप भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर मैंने यहाँ पर टेस्ट करके दिखाया है तो आप भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने एक, तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर एक एक जानकारी मेरे हिसाब से तो पूरी कंप्लीट भी हो गई है और आपका भी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि अगर हम कैलकुलेशन करते हैं 7.5 के हिसाब से तो वो यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर आपको सच क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों वीडियो अगर जरा सा भी अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करते जाना। दोस्तों अगर चैनल से आप मेरे नए हैं या पुराने दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। और दोस्तों कुछ भी ऐसा अगर अधूरा रहेगा तो दोस्तों मैं कमेंट बॉक्स में जोर से बताना। तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम लोगों का ख्याल रखिएगा दोस्तों।